नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव में हाथ को लोगों का साथ मिला तो बीजेपी का कितना ताश के महल की तरह, और प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि देशवासियों का भरोसा नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। इस जोरदार जीत से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेसी व महागठबंधन के में जश्न का माहौल है। खुशी से तो उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मना रहे हैं, जहां बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सहित गठबंधन दल के द्वारा भारी उस सभी माहौल में जश्न और जलसा का आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के दौर में तेगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रखंड के ब्रोनी फ्लैग अवस्थित काली मंदिर के समक्ष भारी संख्या में उपस्थित प्रखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जश्न और जलसा का आयोजन किया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कर्नाटक की जीत पूरे भारतवर्ष के नागरिकों की जीत है। वहीं बिहार प्रदेश महिला प्रभारी रुचि सिंह ने जश्न के दौरान कहा कि कांग्रेस को जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने जनादेश दिया है, उसकी गूंज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सुनाई देगी। मौके पर उपस्थित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं खुशी में गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र कुमार, कांग्रेसी नेता राजीव रंजन, राजेश कुमार श्रवण, सरोज पासवान सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। आज कर्नाटक विधानसभा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लोकतंत्र की जीत हुई है, उसका जश्न हम लोग पूरा भारतवर्ष में मना रहे हैं। और अगला 2024 टारगेट है जम्मू ने पूरा देश में कांग्रेस का झंडा फहराया। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड अध्यक्ष तेगरा। क्योंकि आज भ्रष्टाचारियों की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, जनता की आवाज आज जो जनता के लिए हमारे राहुल जी लड़ रहे हैं उनकी आज ये तो झांकी है पूरे भारत की है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रदेश महिला अध्यक्ष, कांग्रेस सभा।